अन्योंग हाथ से हो। वेल, आज प्रियंका नहीं है हमारे साथ क्योंकि प्रियांशा गई है अपने घर होली मनाने, तो इसलिए आज अकेले ही मैं शो की कमान संभालूंगी और इस शो में क्या होने वाला है ये सब कुछ मैं आपको आज अकेले ही बताऊंगी। वैसे घर से याद आया, क्या आप जानते हैं घर को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नहीं पता? तो आपको मैं बताती हूँ कि घर को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं जिब। जी हाँ, जिब। वेल, ये तो हो गई आपकी कोरियन क्लास। अरे हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, ब्लैक पिंक की लीजा के जो कुछ थाई फैंस हैं उन्होंने लीजा के चक्कर में सिलीन का ऑनलाइन स्टोर खोल दिया है। ये ऑनलाइन स्टोर क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है, चलिए आपको बताते हैं। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि ब्लैक पिंक की लीजा सिलीन की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। वो जहां जाती हैं किसी न किसी फॉर्म में सिलीन को प्रमोट करती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह फैली हुई है कि लीजा ने सिलीन से किनारा कर लिया है। शायद इसलिए आजकल लीजा सिलीन की चीजों को कम इस्तेमाल करती हुई दिखती हैं। द आइडल्स लेटेस्ट अपीयरेंस एट द लुई विटॉन शो हैड नेटिजंस स्पेकुलेटिंग कि हो सकता है लीजा अब एलवी का हिस्सा बन जाए। इसकी एक वजह लीजा के सीक्रेट बॉयफ्रेंड एर्नोल्ड भी हो सकते हैं। लोगों को लग रहा है कि सिंस लीजा इज फ्रेंड्स विद एर्नोल्ड, इसलिए हो सकता है लीजा सिलीन को छोड़कर लुई विटॉन का दामन थाम ले। जब से ये खबर फैली है तब से सोशल मीडिया पर सेल द सिलीन नाम का फ्रेज ट्रेंड करने लगा है। इस फ्रेज के ट्रेंड करने के बाद थोड़े दिनों में ये पाया गया कि लीजा के थाई फैंस ने ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस खोल दी है। उन्होंने अपने सिलीन के आइटम्स को ऑनलाइन सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया है। In the post from every fans, they shared photos of their Celine items with prices they wanted to sell the item for. भाई, ये लीजा के फैंस ही हैं जो लीजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, सिर्फ एक अफवाह की वजह से फैंस ने उस ब्रांड से किनारा करने की सोच ली जो ब्रांड लीजा एंडोर्स करती हैं। वेल, ये खबर कहीं ना कहीं सच भी है शायद, क्योंकि हाल ही में सिलीन ने अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया है। कौन है वो मॉडल, कहां से आई हैं और किस ग्रुप को बिलोंग करती हैं, इसके लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। न्यू जीन्स की डैनियल इज नेम्ड एज न्यू ग्लोबल एम्बेसडर फॉर सिलीन। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद सिलीन की तरफ से आया है। 22 मार्च को फ्रेंच लग्जरी ब्रांड सिलीन ने रिवील किया कि अब डैनियल फ्रॉम न्यू जीन्स विल रिप्रेजेंट द हाउस एज ग्लोबल एम्बेसडर। इस पोस्ट को लिखने के साथ ही सिलीन ने डैनियल की एक फोटो भी शेयर की। सिलीन के पोस्ट के साथ ही डैनियल की एजेंसी ने भी ये कंफर्मेशन दे दी है कि अब सिलीन के साथ डैनियल का टाइप हो गया है। यानी कि खबर एकदम पक्की है, लीजा अब सिलीन को टाटा बाय बाय कर रही हैं और शायद अब वो लुई विटॉन को प्रमोट करेंगी, या यूं कह सकते हैं आप लुई विटॉन के साथ जुड़ जाएंगी। क्यों भाई, ये वाई का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, वाइस को लेकर मुझे कुछ याद आया। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि वाई को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। हमने तीन ऑप्शंस भी दिए थे और तीनों में से सही जवाब है वे। वेल, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक्टर गो क्यू प्यो के बारे में। कुछ याद आया कौन है ये? अगर नहीं याद आया तो हम आपको याद दिलाते हैं, ये वही एक्टर हैं जो सीरीज लव इन कॉन्ट्रैक्ट, रिप्लाई 1988, डोंट डेयर टू ड्रीम जैसी सीरीज में नजर आए थे। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हीरो ऑफ कोरिया माने जाने वाले एक्टर गो क्यू प्यो सडनली भूल गए। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहचाना इनको? ये है एक्टर गो क्यू प्यो। इस समय इनका वजन है 93 kgs। जी हाँ, 93 kgs। नेटिजंस की तरह आपको भी शौक लगा ना? आप सोच रहे होंगे कि इनको क्या हो गया, अच्छा खासा हैंडसम बॉय अचानक से फूल कैसे गया। दरअसल ये एक्टर गो क्यू प्यो की खासियत है, वो मौके के हिसाब से फूल जाते हैं और जब जरूरत होती है तो पतले हो जाते हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है वो तुरंत पतले हो जाते हैं। हाल ही में सोल फैशन वीक में गो क्यू प्यो को देखा गया। जब लोगों ने इनको देखा तो लोग शॉक्ड रह गए। लोगों को लगा कि गो क्यू प्यो इतने खुश कब से रहने लगे। आपको बता दें कि कोरिया में मेनी रिलेट वेट गेन्स विद हैप्पीनेस एज इट इज अ साइन ऑफ बीइंग स्ट्रेस फ्री एंड बीइंग वेल फेड।
कुछ लोगों ने तो क्यूंग प्यो की हेयर स्टाइल पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। दे स्टार्ट कंपेयरिंग इट टू लीगोज। दे ऑल्सो अर्ज हिम टू क्विकली फाइंड ए न्यू प्रोजेक्ट सो दैट ही कैन रिवर्ट बैक टू हिज हैंडसम लुक्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक से प्रियांशा भी होगी आपके साथ। वैसे अगर आपको प्रियांशा से मिलना हो तो आप शिमला जा सकते हैं, क्योंकि वही है प्रियांशा का अपना घर। वैसे भी लॉन्ग वीकेंड है, तो क्यों ना अपनी गाड़ी उठाइए और तुरंत शिमला पहुंच जाइए। एड्रेस तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप उससे मिल सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। अरे हाँ, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।